अरमान को छोड़कर अब अभीरा अपने सपनों का उड़ान भरेगी। तो क्या है पूरी डिटेल, आखिर अब जो है अभीरा कौन सा सपना पूरा करने जा रही है, ये जानते हैं। भाई अभीरा कुछ नया सपना नहीं बल्कि वकील बनने का जो सपना था वो अब अभीरा का पूरा हो चुका है, क्योंकि प्रोमो में हमने देखा कि अभीरा ने जो एग्ज़ाम दिया था, एग्ज़ाम का रिजल्ट सामने आ गया है और अभीरा पास हो गई है, यानी कि अब अभीरा जो है फाइनली लॉयर बन चुकी है। तो ऐसे में अभीरा का जो सबसे बड़ा सपना था लॉयर बनने का, उसकी माँ का जो सपना था वो फाइनली पूरा हो चुका है। तो अब देखते हैं कि एक तरफ अरमान मजनू बनने बैठा है अभीरा के घर के बाहर धरना दे रहे हैं, तो वही दूसरी ओर अभीरा का सपना पूरा हो गया है। तो अब ऐसे में अभीरा कैसे दोनों को इक्वल बैलेंस कर पाएगी? क्या अरमान को ध्यान में रखते हुए वे अपने सपने की ओर उड़ान भर पाएगी, या फिर सपने का उड़ान भरते भरते वो अरमान को ही पीछे छोड़ देगी? ये सब देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन फाइनली अभीरा और अरमान और अक्षरा तीनों का सपना पूरा हो चुका है। वेल अभीरा का जो रिजल्ट आया है, फैंस अभीरा को काफ़ी मुबारकबाद दे रहे हैं। वेल इन सब पे आप क्या कहना चाहेंगे? अभीरा अरमान को और अपने सपने को दोनों को इक्वल बैलेंस कर पाएगी? जो भी लगता है कॉमेंट करें और भी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें गपशप को।